काफी इधर कितना है, यहाँ भी आपके गांव में भी बहुत सारी जातियों के लोग होंगे ही हैं, बहुत सारे जातियों ये जो अभी गवर्नमेंट ने वो कास्ट सेंसस किया है, इससे क्या निकलना है आपको लगता है? कुछ निकलना है निकलेंगे क्या निकलेगा इससे? आप लोग जैसे व्यक्ति जो है कि समाज के सेवक होते हुए अगर जो है कि आप हमारी आवाज़ को उठाएंगे तो जरूर मतलब इसे आंकड़े मिल गए हैं कि दलित अति दलित ये लोग दूसरे लोग कितने कितने समाज के अंदर हैं। लेकिन ये बातें तो पहले से पता है, आज़ादी से ही लोगों को पता है कि हाँ इतनी जातियाँ हैं इतने लोग हैं, तो सब कुछ नहीं किया अब क्या कर रहे हैं? सभी लोग जानते हैं पूरे भारत में बहुत सारी जातियाँ पाई, तो ये अंग्रेजों के जमाने से ही ये जातियाँ जो है कि उस समय भी थी और आज भी। तो आप क्या कैसे समझते हैं? मुझे तो लगता नहीं कुछ होने वाला है, क्योंकि अब हमारे सरकारी स्कूल ही हैं। देखो सरकार को आज 76 साल हो गए आज़ादी के जी, और बिहार को ही अगर हम ले लें तो सरकार को पता नहीं है कि स्कूल में पानी नहीं है, स्कूल में टॉयलेट नहीं है, स्कूल में टीचर नहीं है। तो इतने सालों में लालू की सरकार आई जी, नीतीश सरकार की चल रही है, कुछ नहीं किया इन्होंने। तो अब सेंसस करके ये क्या कौन सा तोप चला देंगे? मुझे तो नहीं नहीं वो तो मुझे भी नहीं लगता है कि जो ये सेंस करके जो है कि तोप चला देंगे, ये इसमें सारी सुविधा ला देंगे। जब आज तक नहीं ला पाए तो अब क्या लाएंगे? तो मानसिकता की बात है ना जी जी, मतलब इनका जैसे विल ही नहीं है जी, करने का कुछ वो है ही नहीं जी। ये सिर्फ मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ एक डाइवर्ट करने का, मतलब लोगों को कि भाई हम देखो कुछ करने वाले हैं, मतलब एक सपना दिखाने वाली बात है कि देखो हम कुछ कर रहे हैं सपना। तो ऐसे ही हमारे देश की जनता बेवकूफ़ बनती रहती है और सारी सरकारें बनाती रहती है जी। तो मुझे तो इसमें कुछ ज़्यादा पर्सनली तो मुझे कुछ लगता नहीं है, क्योंकि हम जब चिट्ठियाँ लिख लिख के सरकार को बोलते हैं कि तुम्हारे स्कूल में पानी नहीं है, तुम्हारे स्कूल में ये नहीं है, और वो कुछ धीरे का काम नहीं करते, सालों साल कुछ नहीं करते, वो स्थिति आज भी खराब है। तो ये क्या कर देंगे?